नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कमल बोंगा है और आज मैं आपसे एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन इतनी आवश्यक है कि उसका संबंध हमारी सुरक्षा से है, हर रोज़ की सुरक्षा से है, हमारे परिवार से है। आप जैसे देख ही रहे हैं कि मैंने ये हेलमेट पहना हुआ है, आप समझ ही गए हैं कि मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, पता सब कुछ है लेकिन फिर हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम सब में से अधिकतर के पास टू व्हीलर है और वो टू व्हीलर हमारी बहनें भी चलाती हैं, माएँ भी चलाती हैं, वाइफ्स भी चलाती हैं। दोस्तों, क्या कभी आपने ये ख्याल रखा कि जो भी वो जो स्कूटी चला रहा है या टू व्हीलर या बाइक चला रहा है वो हेलमेट पहन के चला रहा है? बेशक उसने दो रेड लाइट क्रॉस करनी हो, क्या वो हेलमेट पहन के जा रहा है? क्या कभी आपने इस चीज़ का ध्यान रखा? क्या कभी आपने अपने घर के किसी मेंबर को हेलमेट गिफ्ट किया है? और यहाँ मैं किसी लोकल हेलमेट की बात नहीं कर रहा, एक अच्छी क्वालिटी के हेलमेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो जो आपके परिवार का व्यक्ति है या आपके परिवार में आने वाला व्यक्ति है, वो आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है जिससे आप शादी करने की सोच रहे हैं, क्या कभी आपने उसको गिफ्ट दिया? क्या कभी आपने अपने पापा को कोई हेलमेट गिफ्ट किया? क्या आपने कभी अपने बेटी को या बेटे को दिया, अपनी धर्मपत्नी को दिया कभी? दोस्तों देखो, मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूँ आपसे, ये आपको पता है आपने दिया कि नहीं दिया, और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए इसका भी निर्णय आपने ही करना है। मैं न तो पुलिस वाला हूँ, ना आपके किसी परिवार का सदस्य, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था क्योंकि मैंने सड़कों पर अधिकतर 16-17 साल की बच्चियों को, 20 साल की बच्चियों को, जो कि आगे चल के देश का भविष्य बनेगी, इनको नंगे सर देखा है, तेजी से उड़ते हुए देखा है, लड़कों को भी लड़कियों को भी। तो मेरी सबसे यानी कि इनके माता पिता से एक आग्रह है कि अपने बच्चों को हेलमेट खरीद के दें या उनको बोलें कि वो अपनी पसंद का कोई हेलमेट लें और उनको पहन कर सेफ तरीके से चलाएं। क्योंकि दोस्तों, जब एक्सीडेंट होता है ना, तो ना तो ये आपको पता चलेगा ना मुझे पता चलेगा, ये तो एक्सीडेंट होने के बाद ही पता चलेगा। और एक कहावत है, इट इज़ बेटर टू प्रिवेंट एंड प्रिपेयर देन टू रिपेंट एंड रिपेयर। दोस्तों, चोट लगने के बाद जब हॉस्पिटल भागना पड़ता है और जब डॉक्टर ये बोलता है कि मरीज़ के बचने के चांसेस बहुत कम है, तब हमें पता लगता है कि जो गलती हम लोग इतने सालों से करते जा रहे थे उसका परिणाम भी हम लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। और जो व्यक्ति लगातार हेलमेट पहनकर चलता है उसको हेड की इंजरी नहीं होती, उसके मरने के चांस बहुत कम होते हैं। दोस्तों, मैं नहीं कह रहा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन एक्सीडेंट्स में आंकड़े यही बताते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा प्रयत्न और आप अपने परिवार के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपनी वाइफ के प्रति, अपने हस्बैंड के प्रति, ये छोटा सा काम है जो सबको एक सेफ कस्टडी में ले जाएगा, एक सेफ हेवन में ले जाएगा और देश ऐसा ही हल्का हल्का करके सुधरता जाएगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, कोर्ट में केसेस कम होंगे और सब लोग हंसी खुशी आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा तो आप मुझे मोंगा कमल 91 यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।